नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जो आपको एक बहुत बड़ी सीख देगी। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी है छोटे से बच्चे की, जिसका नाम है चिंटू और उसका हाल ही में स्कूल में एडमिशन हुआ है। सुबह जो उसका रूटीन बना, सुबह उसके पापा ऑफिस जाते हुए उसको छोड़ने जाते थे और शाम को उसकी मम्मी उसको लेने जाती थी। एक बार छुट्टी होने के बाद चिंटू वेट कर रहा था घर से किसी के आने का। तभी चपरासी अंदर आता है, बोलता है कि चिंटू के घर से उसके पापा उसे लेने आए हैं, गाड़ी में बैठे हैं। तो ये सुन के चिंटू खुशी से बाहर जाने लगा, लेकिन तभी टीचर ने चिंटू को रोका क्योंकि उन्हें थोड़ा शक हुआ। तो टीचर ने चिंटू के आई कार्ड पे से उसके पापा का नंबर लेकर उनको कॉल किया, तो पता चला कि उसके पापा तो अभी ऑफिस में ही हैं। तो टीचर भी चिंटू के साथ जाने लगी। तभी टीचर को चिंटू के साथ आता देख वो आदमी वहां से भाग गया। तो टीचर ने चिंटू को बोला कि जो इंसान था वो गलत आदमी था, लेकिन चिंटू के समझ में यह आया कि पापा गलत है, पापा फ्रॉड है। अगली बार चिंटू के पापा ने टीचर को फोन किया कि उसकी मम्मी आज थोड़ी बिजी हैं, तो इसलिए आज मैं उसको लेने आऊंगा। उनके आते टीचर ने कहा, चिंटू जाओ, तुम्हारे पापा आ गए। ये सुनते ही चिंटू बोला कि पापा फ्रॉड हैं, मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा। टीचर समझ गई और उसने प्यार से चिंटू को समझाया कि बेटा, जो वो आदमी पापा का नाम लेकर आया था ना, वो गलत था, पापा तो सही हैं। तो चिंटू उस बात को मान गया, टीचर की बात उसको समझ में आ गई और वो अपने पापा के साथ घर चला गया। दोस्तों, आज मार्केट में बहुत सारे चिंटू घूम रहे हैं जिनको लगता है डायरेक्ट सेलिंग एक फ्रॉड है, जबकि सच ये है कि फ्रॉड लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में डायरेक्ट सेलिंग का उपयोग करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का उपयोग करते हैं। फर्क समझिएगा, ऐसे लोग ये बोलकर पैसे लगवाते हैं कि कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सीखना, कुछ सेल परचेज नहीं करना, बस पैसा लगाओ और पैसा कमाओ। और कुछ लोग कि काम ना करना पड़े, कुछ सीखना ना पड़े, इस चक्कर में पैसे लगा देते हैं और जैसा कि उस फ्रॉड आदमी को करना है वो लोगों के साथ फ्रॉड करके निकल जाएगा। तो वो लोग चिंटू बन जाएंगे और कहेंगे कि MLM फ्रॉड है, डायरेक्ट सेलिंग फ्रॉड है। और ऐसे लोगों में कुछ यूट्यूबर्स भी हैं जो MLM को फ्रॉड बोलते हैं अपने चैनल पर। तो दोस्तों, मैं कुछ नहीं कहूंगा, उन लोगों के लिए आप अपने 24 घंटों में से कोई से भी 2 मिनट निकालकर मौन रख लीजिएगा। और जो लोग फैक्ट और ट्रुथ जानना चाहते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में, उनके लिए मैं कुछ डाटा शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, आपके सामने ये जो इंडस्ट्री लिखी है ये इंडिया में अब सक्सेसफुली वर्क कर रही है, जैसे बैंकिंग सेक्टर, स्टील इंडस्ट्री, IT, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, ये जितनी भी इंडस्ट्री है इनको काम करते हुए इंडिया के अंदर 50-60 साल से ऊपर हो चुका है, कई इंडस्ट्री को 100 साल 150 साल भी हो चुका है। तो आपको किसी भी इंडस्ट्री के बारे में अगर उसकी पोटेंशियल जाननी है तो उस इंडस्ट्री को उस कंट्री के हिसाब से देखो जहाँ पे उसको काम करते हो कम से कम 50 साल हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आपके लिए जो डाटा शेयर करने वाला हूँ वो अमेरिका से लिया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे इस इंडस्ट्री को काम करते हुए 60 साल से ऊपर हो चुका है। तो चलिए देखिए इन फैक्ट्स और फिगर को बड़ी ध्यान से देखिएगा दोस्तों। USA में आज के टाइम पे जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का टर्नओवर है वो लगभग 2,65,000 करोड़ रुपए है। पूरी दुनिया के टॉप 25 जो सबसे ज्यादा कमाने वाले नेटवर्कर हैं, उनमें से 12 सिर्फ US के हैं। इनमें से कई लोग खुद को बिलियनर भी डिक्लेयर कर चुके हैं। एक बिलियनर मैं उन लोगों को कहता हूँ जिनकी जो नेटवर्थ है वो 7,500 करोड़ से ज्यादा है। जी हाँ, ये फिगर बिल्कुल सही है, 7,500 करोड़ जिनकी टोटल नेटवर्थ है, वो नेटवर्क इंडस्ट्री से उन्होंने अर्न किया है। इसमें कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी महीने की इनकम 15, 20 या 25 करोड़ से या उससे भी ऊपर है। ये मैं जो भी बोल रहा हूँ बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर बात कर रहा हूँ। ये इंडस्ट्री $170 बिलियन इंडस्ट्री है दोस्तों, और ये पहली इंडस्ट्री है, या फिर मैं कह सकता हूँ ये एक इकलौती इंडस्ट्री है जो इस COVID-19 पेंडेमिक में भी 15 से 20% के ग्रोथ रेट के साथ ग्रो की है। इंडिया के अंदर अभी इसका जो टर्नओवर है वो मुश्किल से 14 से 15 हजार करोड़ रुपए है, लेकिन
एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंडिया के अंदर अगले 4 सालों के अंदर ये इंडस्ट्री लगभग 60,000 करोड़ से 65,000 करोड़ का बिजनेस देने वाली है। अब इतना देखने के बाद आप लोग समझ जाएंगे कि इस इंडस्ट्री की पोटेंशियल कितनी है। तो दोस्तों, बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि मौका आपके पास है, फैसला आपका है, सोच आपकी है कि आपको क्या बनना है, एक सही इंसान बनना है या फिर चिंटू ही बन के घूमते रहना है। बस दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। अगर आप इसके बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और अपना प्यार उन पर ऐसे ही बरसाते रहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।